राम राम एवरीबॉडी, मैं रोशन लाल यादव, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पार्ट सीरीज को धीरे धीरे करके कंसेप्टों को क्लियर कर रहे हैं, परसेंटेज की और क्या क्या कंसेप्ट है उनको सब देख रहे हैं। एक तो दोस्त है, उनकी दिक्कत है कि सर आपने कहा था कि एक मैं पिछले जो वीडियोज है उनका कुछ डाउट लेता हूं कि वो कह रहे थे कि सर आपने तो कहा था कि जो चेंज होता है ना वो पास्ट के रिस्पेक्ट में होता है, फिर आपने एक्सपेंडिचर पे पास्ट क्यों नहीं लगाया। तो दोस्तों, मैंने ये कहा था आपको कि जो चेंज होगा दुनिया का कोई भी चेंज हो सकता है, परसेंटेज का ही नहीं, परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी चेंज हो दुनिया का वो पास्ट पर ही होगा हमेशा। उसके पास्ट को देखा जाता है कि उसका पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है पिछले वीडियो में कि दुनिया का कोई भी चेंज हमेशा पास्ट के रेस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। अब बात आ रही थी पिछले सवाल में एक्सपेंडिचर की, क्वेश्चन ये था कि 100 एक्सपेंडिचर कर रहा था कोई व्यक्ति, आप एक बार इसको छोड़ना क्वेश्चन को, और वो कह रहा था कि 25% उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो 100 का 25% 125 हो रहा था। तो अब उसका कहना ही था कि सर आप पास्ट की बात कर रहे हो ना, तो जो 25 बढ़ रहा है वो आप 100 पे बढ़ाओ, मतलब तो 25 वो कह रहा कि उसका कंजप्शन ये था कि उसका कंजप्शन जो है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि उनका कहना ये है कि भाई जो 25 रुपए बढ़ रहे हैं, मैंने कहा था तो किस पे बढ़ 25 रुपए घट रहे हैं, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, खर्चे को सेम रखना है, तो हमें किसमें से घटाना पड़ेगा, 125 में से घटा रहे हैं ना भाई 25, तभी तो हम 100 रुपए पर पहुंच पा रहे हैं। तो मैं ये समझा रहा था कि 25 रुपए घटे हैं किस पर, 125 पे, 100 पे नहीं। वो कह रहे हैं कि 100 पे घटाइए आप। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल है, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। आप दोस्तों ये मानिए कि आप कहीं भी, जैसे आपने कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है मान लो, ठीक है, कितनी भी दूर होगा आपके घर से, तो आप उस लाइब्रेरी में जाते हो डेली 30 के 30 दिन, समझना इस चीज को। आपका पर डे का खर्चा है जाने और आने का 50 रुपए। ऑटो वाले को आपने कर रखा है एक ऑटो कि भाई मेरे को लाइब्रेरी छोड़ना है और तेरे को लाना है, तो वो कह रहा है कि मेरे को 50 रुपए देने पड़ेंगे आपको दिन के हिसाब से, मैं आपको छोड़ भी दूंगा और ले भी आऊंगा। अब 50 रुपए पर डे आपके लग रहे थे, अब आ गया कुछ भी हो गया, जैसे डीजल की भाव बढ़ गए या पेट्रोल के भाव बढ़ गए, जो भी इश्यू रहा होगा, तो उसने क्या कहा आपसे कि आप अब मैं जो पहले मैं पैसे लेता था आपसे उसका 50% ज्यादा चार्ज करूंगा, अगर आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मत चलिए। तो पहले आप इस एग्जाम्पल को इस तरीके से समझना दोस्तों, बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको, एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, 100% रिप्लाई करूंगा। हो सकता है कि एक वीडियो छूट जाए, अगले वीडियो में 100% रिप्लाई होगा उसका। अब आप ये देखिए कि आप दिन के 50 रुपए लग रहे हैं और आप 30 के 30 दिन लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो आपने खर्चा कितना किया, 1500 रुपए का खर्चा कर दिया। अब ऑटो वाला आपसे कह रहा है कि नहीं नहीं भैया मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं क्या है कोरोना काल आ गया, कुछ भी इश्यू रहा होगा उसके साथ, तो वो कह रहा है कि अब जो आप दिन के 50 एक्सपेंडिचर कर रहे थे ना 50 रुपए, उसका 50% मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो 50 का 50% कितना होगा दोस्तों, आप बताइए मेरे को, 1/25 हो गया, कितना हो गया 25। तो अब वो ले रहा है आपसे पर डे के हिसाब से 75 रुपए, पहले ले रहा था 50 रुपए पर डे, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को भूलिए एक बार मत कीजिए, आप कंसेप्ट पे काम कीजिए, बेसिक्स क्या है क्वेश्चन का उस पे काम कीजिए, बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। और अब वो ले रहा है 75 रुपए पर डे, ठीक है। अब दोस्तों जब आप 50 रुपए पर डे उसको चार्ज कर रहे थे, तब कितने रुपए दे रहा था, कितने रुपए आपके 30 दिन के लग रहे थे, 1500 रुपए, और अब 75 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज कर रहा है वो, और अगर आप 30 के 30 दिन जाते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा, 2250 रुपए। आप इसको गुणा कीजिए, इतना ही आएगा। तो
अब आप ये कह, आपका पहले केस में लग रहा था 1500 रुपए, दूसरा केस जो बढ़ा दिया उसने 50% एक्स्ट्रा कर दिया, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा यहाँ पर, आप मुझे ये बताइए, बढ़ा? तो पहले जो एक्सपेंडिचर था आपका, खर्चा था, जो खर्चा था आपका वो 1500 रुपए था, और अब खर्चा बढ़ करके कितना हो गया, 2250 रुपए हो गया, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि यार खर्चा तो बढ़ गया, मेरे पास तो रुपए है नहीं खर्च करने के लिए, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? आपके पास सिर्फ एक, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप एक्सपेंडिचर को कम करें, एक्सपेंडिचर को उतना ही करें जितना आप पहले कर रहे थे, आपकी हैसियत ही 1500 रुपए खर्च करने की है, तो आप 2250 तो खर्च कर नहीं पाओगे, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? हमारे पास एक्सपेंडिचर, भाई प्राइस बढ़ गई है, तो एक्सपेंडिचर को कम कम करने का तरीका होता है कि हम कंजप्शन को घटा दें। कंजप्शन यहां पर क्या है, हम दिनों का जो फ्रीक्वेंसी है जाने आने की, उसको घटा सकते हैं, वो हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, कंजप्शन है। अब आपने क्या किया कि आप कह रहे हो नहीं, मैं तो 1500 रुपये, मेरा खर्चा पहले के जितना ही रहेगा, तो आपको कितना रुपया कम करना पड़ रहा है यहाँ पर, 750 रुपये। भाई 2250 और इसका 1500 का डिफरेंस कितना है, 750 रुपये। किस पर कम कर रहे हो आप? 1500 पर थोड़ी कम कर रहे हो, 1500 पर अगर आप 750 रुपये कम कर दोगे तो आपको तो खर्चा 750 रुपये बच गया ना, तो आपका बराबर कहाँ हुआ खर्चा, एक्सपेंडिचर तो सेम कहाँ हुआ आपका, 2250 पर आप कम, 2250 पर 750 रुपये कम खर्च कर रहे हो, तब जाके आपका एक्सपेंडिचर पहले के जितना हो रहा है 1500 रुपये। इस चीज को समझना होगा। तो ये 2250, मैं इसलिए ये नीचे वाली वैल्यू लेता हूं कि हम कम एक्चुअल में कर किस पे रहे हैं। आप सिर्फ इस और भी देखिए, इस सवाल में सिर्फ इतना देखिए आप इस टाइप में कि आप जो कम है, कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, वो किस पर बढ़ा रहे हैं या किस पर कम कर रहे हैं, बस एक तरीके से ये समझ लीजिए। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से 2700, 750 रुपये कम करूंगा 2250 रुपये पर, ठीक है? अब मैं कम कैसे कर सकता हूं कि मैं फ्रीक्वेंसी घटा सकता हूं मेरी जाने आने की। भाई मैं 30 दिन जाता था, और अगर 30 का 30 दिन ही मैं अब गया 75 रुपए के भाव से, तो मेरा 2250 रुपये खर्चा होगा, जबकि मेरी हैसियत इतने रुपए खर्च करने की नहीं है महीने की ऑटो के लिए, मेरी हैसियत 1500 रुपए की है। तो मैं क्या कहूंगा कि मैं यहाँ पर 30 दिन जा रहा था, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जाने आने की मेरा, एक तरह से मान लीजिए कि आप ये मेरा कंजप्शन है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कंजप्शन है, ठीक है? तो ये कंजप्शन है 30 दिन का। अब मैं क्या करूं कि 750 रुपये जो मेरे लग रहे हैं ना पड़ रहे के, जो 750 रुपये लग रहे हैं पड़ रहे के, जो 750 रुपये की कमी कर रहा हूं, और 75 रुपये मेरे पर डे चार्ज हो रहा है, तो 75 से जब मैं इसको भाग दूंगा तो मैंने की 10 दिन, तो पहले मैं 30 दिन जाता था, अब मेरे हाथ में सिर्फ ये चीज रह गई है कि मैं 10 दिन कम जाऊं, ठीक है? 750 रुपये कम है ना, तो अब मैं 10 दिन कम जाऊं सिर्फ, समझना इस चीज को, कि पहले मैं जहां 30 दिन जा रहा था, आज अब मैं कितने दिन जा पाऊंगा, 20 दिन ही जा पाऊंगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं 30 दिन लाइब्रेरी में जाकर के 20 दिन लाइब्रेरी जाऊं, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने मेरा कंसेप्शन कम कर लिया है, तभी तो मेरा खर्चा मेंटेन हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से ये बेसिक है इन सवालों का, आप इन सवालों में यार उलझ रहे हो है? कैसे काम चलेगा, आप खुद देख के ना चीज को, आपके आसपास की घटनाएं हैं ये सारी, क्वेश्चंस क्या है आसपास होते हुए मिलेंगे आपको ये सब चीजें, तभी तो क्वेश्चन बनते हैं। अब दूध वाला दूध में पानी मिला देता है, फिर क्या हो गया, पानी क्यों मिला रहे हो दूध में, भाई दूध वाला मिला रहा है तब जाके क्वेश्चन बन गया, दूध वाले ने पानी मिला दिया, मिक्स कर लेके क्वेश्चन तैयार हो। तो ये हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बताया, उससे रिलेट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि 25/125 क्यों कर रहा हूं मैं, 100 क्यों नहीं कर रहा, ठीक है? तो चलिए, कंजप्शन का मतलब ये नहीं है, एक बात और है कि कंजप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खपत किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे यहां पर खपत किसके रूप में आ गई, मेरी जाने आने की फ्रीक्वेंसी के रूप में खपत आ गई, कोई चीनी खरीद रहा है तो चीनी की खपत आ गई, कोई पानी खरीद रहा है तो पानी की खपत आ गई, इस तरीके से खपत किसी भी एंगल से हो सकती है, ठीक है? आप रिजिड मत रहिए कि खपत तो चीनी की होगी, इसकी तो खपत हो ही नहीं सकती,
खपत किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है, जैसे यहां पर जाने आने में खपत होगी ना, उसको हमने खपत बोला है, कंजप्शन बोला है। तो चलिए ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा, ये कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ये शायद 30 लेक्चर चल रहा है, 30 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, ये बेसिक साइंस वालों का जो मैंने आपको बताया है, ये पिछला सवाल ही है, मैंने इसमें लैंग्वेज चेंज की है, डेटा सेम है, इसलिए राइटिंग लिखी हुई है, पहले से गोले गोले मंडे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा से, डेटा तो एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि मैं जो एग्जामिनेशन में मैं तो पेपर बना नहीं रहा भाई, तो डेटा भी मैं ही सेट करूंगा, ऐसा तो है नहीं, तो डेटा तो वहां डिफरेंट ही मिलेगा। आप कंसेप्ट पे काम कीजिए, ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का, बस ये टाइप है, इस टाइप का कंसेप्ट ये है, बस इतना ही रखना आपको ध्यान, बाकी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीजें होंगी। आप हड़बड़ाहट मत कीजिए चीजों के लिए, जो बिगिनर है मैं उनको फिर बोल रहा हूं, आप अगर हड़बड़ाहट करोगे, जल्दी के चक्कर में रहोगे तो मात खाओगे। ये लाइन ऐसी है यार, आपने जिस लाइन को चुना है वो इतना आसान नहीं है कि आप आज स्टार्ट किया 2 महीने बाद पहुंच गए अपनी मंजिल पे, ऐसा नहीं है यहाँ पर, समझिए इस चीज को। जो लोग कह रहे हैं 4 महीने में पाई सर, मात्र 4 महीने में पाई सरकारी नौकरी, वो सब भ्रम है, भ्रम। इन चीजों से बचिए आप, जोर प्रेम से, यहां कोई 2-4 महीने का गेम नहीं है मेरे भाई, ये आपको लंबी लड़ाई लड़नी है, साल भर की, 1.5 साल की, इस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है कमीशन में, ठीक है। और आप बेसिक्स को क्लियर करते हुए चलिए, आप जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन का बेसिक बताया, जैसे ये कोई अगला सवाल आपके सामने आएगा इस टाइप का, तो आप बताओगे कि ऐसे ऐसे होता है, तो ये बेसिक्स हैं, आपका बेसिक जितना मजबूत होगा, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन चुटकियों में होंगे आपके। इस चीज को समझिए और आगे अपने सवालों में ढालिए, अपनी लाइफ में भी ढालिए इस चीज को, क्योंकि नियति ये कहती है कि नेचर क्या है, कि जैसे जैसे अगर समय परिवर्तन मांग रहा है ना, तो हमें भी उसके हिसाब से ही परिवर्तन होना पड़ता है। समय की रिक्वायरमेंट है चेंज की, तो हमें भी चेंज होना, हो जाने में फायदा है। अगर आप रिजिड बने रहोगे तो आप वहां तक, आप उसके साथ, नेचर के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। ये अब एक थ्योरी भी है डार्विन की, आई थिंक डार्विन का ही है, कि जो इंसान अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेता है वो जी जाता है, और जो नहीं ढाल पाता वो उसका वंश वहीं समाप्त हो जाता है। ये फैक्ट है, आज सिस्टम बदल चुका है, आज सब कुछ ऑनलाइन है यार आपके सामने। आपको टाइम था जब मोबाइल नहीं थे घर में, अब मोबाइल आए, फिर नेट नहीं था, फिर जियो आया, जियो ने नेट की बौछार कर दी, लो भाई 150-150 GB को लोग कुछ नहीं समझ रहे आज के टाइम में, ठीक है, ऐसे उड़ा रहे हैं धुएं की तरह। और कोई टाइम था जब MB में हम काउंट करते थे, यार बस एक बार फेसबुक चला लेता हूँ, मेरा 80 MB, 90-98 MB मिलता था, इतना ही मिलता था, कोई टाइम था सर, तो उसमें हम रोक रोक के चलाते थे। और आज ये जमाना है कि हम रोकते नहीं है कुछ, सीधा ऑनलाइन देख रहे हैं चीजों को, तो क्या समय नहीं बदल रहा? एक जमाना था कि जब ऑफलाइन कोचिंगों का बहुत बड़ा रुतबा था, लेकिन अब कोरोना काल आने के बाद ये सब रुतबा खत्म हो गया ऑफलाइन वालों का, अब सब कुछ ही ऑनलाइन आ गया, आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं देखिए मोबाइल पर, तो आप इनका यूज कीजिए चीजों का, आपके पास मोबाइल है, नेट है, तो आप क्यों ना बेहतरीन चीजें जाने, बेहतरीन लोग, बेहतरीन कंसेप्ट जाने, बेहतरीन जगह से। आप सिर्फ इनमें, मोबाइलों में सिर्फ गाने सुनने में इस तरीके से टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, ठीक है, चीजें जानिए, धीरे धीरे देखिए आप पकड़ के चले जाओगे, कोई इशू नहीं है, ऐसे ही होता है शुरुआत में। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें मैंने सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, लोगों को बताइए, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक प्रमोट कीजिए, ताकि उन तक भी ये चैनल पहुंचे, उनका भी फायदा मिल सके उनको भी, ठीक है। और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों, ये एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था कि मेरा कोई ये जॉब नहीं है, ठीक है, मैं अगर नहीं भी पढ़ाऊंगा तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये मेरी थोड़ा सा मुझे मजा आता है आपके साथ आधे घंटा बिताने में डेली का, तो मुझे लगता है कि यार हाँ यार क्यों ना चीजें आती हैं बता दी जाए, बस इतना ही है, इससे मेरा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप भी लोगों को प्रमोट कीजिए, लोगों को बताइए चैनल के बारे में, बताइए कि भाई वहां बेसिक से शुरुआत हो रही है,
और आपको बढ़िया लेवल तक तैयार किया जा रहा है। आने वाले टाइम 2021 में सीईटी होगा, गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है गाइडलाइन, 21 में सीईटी होगा। अब जब 21 में सीईटी होगा तो वहां पर क्या आप, अब कोई कहता है यार बैंक, मेरे को बैंक की मैथ करा दो, मेरे को रेलवे की मैथ करा दो, वहां तो सब कॉमन ही होगा, वहां एसएससी भी को एसएससी बैंक रेलवे तीनों आ गए एक ही प्लेटफॉर्म पर सीईटी पर, तो वहां तो आपको कॉमन ही पढ़ना है, तो मैं आपको उसी तरीके से तैयार कर रहा हूँ ना, आप पढ़िए। ऐसे तो मत कीजिए कि मेरे को एनटीपीसी का मैथ करा दो या मेरे को बैंकिंग का मैथ करा दो, एसएससी का मैथ करा दो, वहां तो सब कॉमन होने वाला है आने वाले टाइम में, तो आप कॉमन के तरीके से पढ़िए, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, चीजें सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चीज क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ वाटर इज डिक्रीज बाय 40% ड्यू टू दिस, ए फैमिली परचेज 20 लीटर मोर वाटर फॉर ₹400, फाइंड ओरिजिनल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस। हिंदी में देखते हैं, पानी की कीमत में 40% की कमी हो गई है जिससे परिवार ₹400 में 20 लीटर ज्यादा पानी खरीदता है, तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। अब कुछ लोग तो यही कंफ्यूजन में है कि यार ये वास्तविक खपत और वर्तमान खपत तो एक ही है, भाई एक कैसे है? वास्तविक खपत और वर्तमान खपत, ओरिजिनल कंजप्शन और करंट कंजप्शन बराबर नहीं है मेरे भाई, आप इस चीज को समझते क्यों नहीं है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, क्वेश्चन ही लेते हैं, ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि भाई पानी की कीमत है उसमें कुछ कमी आ गई, कमी आने से हुआ क्या कि परिवार ज्यादा पानी का कंजप्शन करने लग गया, ठीक है, वो पहले भी ₹400 का ही पानी खरीद रहा था, आज भी वो ₹400 का ही खरीद रहा है, मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो सेम है। अब आप मुझे ये बताइए, जब प्राइस में कमी आ गई है तो आपके पास एक्सपेंडिचर को सेम रखने का इलाज क्या है? आपके पास यही तरीका है कि आप उसके कंजप्शन को बढ़ा दें, अगर प्राइस बढ़ रही है तो कंजप्शन को घटा दें एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए, दो ही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यार, ठीक है, जो मर जाए पूछे। मान लो एक्सपेंडिचर आपका पहले हो रहा था ₹100, ठीक है, अब वो क्या हुआ कि परिवार कीमत में, पानी की कीमत में 40% की गिरावट आ गई, तो 40% की गिरावट आ गई तो 40% तो 100 का 40% कितना होता है भाई, 100 का 40% होता है 40, ठीक है, तो 100 में से 40 गया तो कितना बचा, 60, ठीक है, 100 में से 40 गया तो कितना बचा, 60, ठीक है, 100 में से जब 40 गया तो कितना बचा, 60, यानी कि पहले परिवार ₹100 खर्च कर रहा था, वो कीमत घटने की वजह से उतना ही पानी पिए, तो अगर वो उतना ही अगर पानी परिवार पीता है तो उसको ₹60 ही में ही काम चल जाएगा, यानी ₹60 उसका खर्चा होगा, जबकि परिवार ये चाह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो ₹400 ही खर्च करूंगा, तो अब ये कुछ कंजप्शन है, ओरिजिनल कंजप्शन यहां से क्रिएट होते हैं कंजप्शन, कि उसका ओरिजिनल कंजप्शन तो क्या था, फिर उसने क्या किया कि भाई रेट घट गई तो करंट कंजप्शन अब वो और करेगा, भाई बढ़ाएगा, रेट घट गई तो कंजप्शन बढ़ाएगा, तो उसका क्या हो गया, करंट कंजप्शन हो गया, ओरिजिनल कंजप्शन कुछ उसका और था, ठीक है, ये है इनमें डिफरेंस। अब आप ये देखिए कि मैं 60 पर हूं, ₹60 खर्च कर रहा हूं, मैं कंजप्शन सेम चाहता हूं, तो मेरे को 60 से किस पर जाना है, 100 पर जाना है, ठीक है, यानी ₹60 से मेरे को ₹100 खर्च करने हैं, तो मैं ₹40 की क्या कर रहा हूं, वृद्धि कर रहा हूं, किस पर कर रहा हूं, 60 पर, 100 पर नहीं कर रहा, 60 पर। आप ये देखिए वृद्धि किस पर कर रहे हैं, ताकि आप वहां पर पहुंच पा रहे हैं, तो नीचे वाले पर तो वृद्धि कर रहे हैं भाई, 60 पर वृद्धि कर रहे हैं, हमेशा यहां से ही वृद्धि होगी, यहां से ही कमी होगी, तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देखिए कि वृद्धि कितने की हो रही है, 60 से 100 पर पहुंचने में 40 की, और नीचे वाले को साथ रख दीजिए, बाकी मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया आपको, दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपके साथ, ठीक है, एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि कहां कौन सा लगाना है, ठीक है। अब आप यहां पर क्या, दो दूनी चार, दो तीन छह, यानी कि मेरे पास आ गई वैल्यू +2/3, तो अगर मैं ये मानता हूं कि मेरी 3 यूनिट क्या है, ओरिजिनल कंजप्शन है, अगर मेरा 3 यूनिट ओरिजिनल कंजप्शन है, ओरिजिनल कंजप्शन है, अगर मेरा ये 3 यूनिट ओरिजिनल कंजप्शन है, चलो मैं इधर रख देता हूं इसको, अगर मेरा ये 3 यूनिट ओरिजिनल कंजप्शन है तो
क्या होगा? अगर मेरा ये तीन यूनिट देखिए, ओरिजिनल कंजप्शन, मैं पहले एक ही बात कर रहा हूं, ओरिजिनल कंजप्शन कितना है? तीन यूनिट है, तो परिवार को कितना कंजप्शन बढ़ाना पड़ रहा है? दो यूनिट कंजप्शन बढ़ाना पड़ रहा है। इसका कहने का मतलब 2/3 का ये है कि परिवार पहले 3 यूनिट खर्च कर रहा था, ये उसका ओरिजिनल कंजप्शन था, कितना था? 3 यूनिट। और बी पार्ट अपना है करंट कंजप्शन का, तो करंट कंजप्शन क्या है कि पहले परिवार 3 यूनिट खर्च कर रहा था, तो अब उसको 2 यूनिट बढ़ानी पड़ रही है खर्चा सेम रखने के लिए, तो 2 × 3 = 2 कितना हो गया? 5 यूनिट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बढ़ा कितना रहा है? 20 लीटर ज्यादा पानी खरीद पा रहा है, वो सवाल दे रखा है। तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 2 यूनिट बराबर है 20 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 10 के। जब 1 यूनिट 10 के बराबर है तो मेरा ओरिजिनल कंजप्शन 3 यूनिट है, तो 30 लीटर हो गया, कहीं कोई दिक्कत है इसमें? करंट कंजप्शन है वो 5 यूनिट है, तो 50 लीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये दो चीजें आ गई ना, ओरिजिनल कंजप्शन और करंट कंजप्शन, ये डिफरेंस है इसमें। एक वो नहीं है, बार बार आपके डाउट आएगा, नहीं है, फिर बता रहा हूं। वास्तविक मूल्य कितना है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। अब आप प्राइस कैसे निकालते हैं चीजों का, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि प्राइस कैसे निकालोगे आप। आपने 20 आर्टिकल खरीदे, 20 पेन खरीद लिए 100 रुपए में, तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई? 100/20 करते हो ना भाई, तो कितना आ गया? 5, तो 5 रुपए का एक पेन हो गया। तो इस तरीके से प्राइस निकलते हैं कि हमने टोटल कितना खर्चा किया? 400 रुपए का, और पानी कितना खरीदा? 30 लीटर। तो मेरी ओरिजिनल प्राइस आ गई कितनी? 400/3, यानी कि 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 और 3 × 9 13 सही 1/3 रुपए पर लीटर। ठीक है, 13 × 1/3 रुपए पर लीटर आ गई मेरी। और मेरी करंट कंजप्शन कितना है, मैंने खर्चा कितना कर रहा हूं मैं? 400 रुपए का। ठीक है, करंट प्राइस। तो करंट प्राइस कितनी आ रही है, खर्चा कितना कर रहा हूं मैं? 400 रुपए का। कितना लीटर पानी पी रहा हूं? 50 लीटर, तो कितना आ गया? 5 × 40, यानी कि 8 रुपए पर लीटर, ये मेरा करंट प्राइस आ गया है। तो कहीं कोई दिक्कत है इन सवालों में, आप खुद देखिए। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन और हो जाए, लेकिन वीडियो की लेंथ बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मैथ के कंसेप्ट सीखते रहिए, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मैं और लाऊंगा अगले वीडियोस में। और मैथ का एक बार मैं परसेंटेज करा देता हूँ, उसके बाद रीजनिंग का कुछ स्टार्ट करेंगे और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रोज आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कि कभी कभार ही होगा कि आपको ना मिले कंटेंट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।